आज इस कार्यालय का उद्घाटन के समारंभ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों और दोस्तों, शांति नगर के रहवासी, ये शांति नगर और विशेषतः सेक्टर नंबर 5 और 6 ने मुझे अपने जीवन में 3 बार कॉरपोरेटर बनाया। मेरे लिए ये शहर नया नहीं और मैं लोगों के लिए नया नहीं। जो नया था उसने क्या खेल खेला 5 साल में, वो पूरे शहर में देख लिया। और हमने पिछले 30-35 सालों में इस शहर के लिए क्या किया है वो शहरवासियों ने देखा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 साल के बाद में पिछले 5 साल में बहुत सारे काम जो होने चाहिए थे वो वहीं रुक गए हैं और उसे आगे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। और सच में बड़ा समस्या हमने हमारे जाहिरनामे में दिया है, आप लोगों ने के पास जाहिरनामा है। 5 साल पहले सेना भाजपा की सरकार और लोक प्रतिनिधि ने अपने जाहिरनामे में कहा था कि दहिसर का टोल नाका हम हटा देंगे, मगर आज तक के दहिसर का टोल नाका जहां है वही है या नहीं है कि खत्म हो गया है? आपको मीरा रोड से अभी अगर दहिसर टोल नाका क्रॉस करना है तो 1.25 घंटा कम से कम लगता है, सही है? तो वो हटा नहीं, मीरा रोड से कोई नई ट्रेन चली नहीं, भयंदर से लोकल नहीं शुरू नहीं हुई, महिला स्पेशल नहीं पड़ी, 6 ट्रैक रेलवे नहीं हुआ, पानी नहीं बढ़ा, कचरा नहीं हटा, बहुत सारी चीजें हैं जिसका काम नहीं हुआ, जो जहां था वहीं रुक गया। मगर शहर में हर जगह पे नुक्कड़ पे बोर्ड जरूर लग गया। अब बोर्ड क्या लगा कि मेरा शहर प्रगति कर रहा है, मुझे गर्व है, मेरे शहर से मैं प्लेग्राउंड बन गया है, मुझे गर्व है। ये सेक्टर 6 का प्लेग्राउंड था, बच्चे क्रिकेट खेलते थे, जेसीबी लगा करके तोड़वाया गया। सेक्टर 9 का प्लेग्राउंड तोड़वाया गया, सेक्टर 5 के प्लेग्राउंड की दशा खराब करके रखी गई। मतलब पूरे शांतिनगर की अगर बात करें तो नाम शांति रह गया, बाकी अशांति से कम कोई सी चीज बची नहीं। ये दुकानदार जहां मैं खड़ा हूं, मैं समझता हूं अगर मैं उस रोज यहां पर नहीं आया होता तो ये दुकानदारों के सामने का पट्टा भी आज इनका एक्स्ट्रा दुकान ना, ये सामने वालों की बचती ना ये दुकान बचती। सही है गलत है दुकान वाले? अरे अभी तो हाथ खोल करके बताइए सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। जेसीबी लेकर के तोड़ने आ गए थे और हम आकर के हम लोगों ने रुकवाया था, वरना आपकी दुकान और भी 10 फीट पीछे चले गई होती। अब भी समय है जात धर्म भाषा से दूर उठ करके शहर के विकास के बारे में सोच के फैसला कीजिएगा, वरना आपके बीच में वीडियो चलेंगे साधु के, संत के, महात्माओं के, आपको किसी मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के संत और मौलाना और पादरी का चुनाव नहीं करना है, आपको आपके लोक प्रतिनिधि का चुनाव करना है। और लोक प्रतिनिधि के चुनाव के लिए अगर लोक प्रतिनिधि सक्षम है और अगर काम किया है तो उसने वोट मांगना चाहिए, ना कि साधु संतों ने उसके लिए वोट मांगना चाहिए। अगर उसके लिए वोट मांगने के लिए साधु संतों को लाना पड़ता है और धर्म की आड़ लेना पड़ता है तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि उस लोक प्रतिनिधि ने काम नहीं किया है। और इसीलिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग और धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम ये लोग करेंगे। दोस्तों 30-35 साल पहले जो लोग इस शहर में आए उन्होंने शहर को देखा, 2014 तक के भी देखा, मीरा रोड स्टेशन की हालत आप लोगों ने देखी थी। और आज मीरा रोड स्टेशन कैसा बना है, किसने बनाया, किसने बनाया? अरे ये तो यहाँ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ इनको पता ही नहीं है। आप लोग अभी अभी आए के शहर में, मैं आप लोग से पूछता हूँ कितने साल से रह रहे हैं आप? 12 साल, 15 साल से। कितने साल से रह रहे हो बाबू? अरे तनिक बताओ बाबा, जरा मावा बाजू में रखो, मुंह में मावा ठूस के कैसे बात कर दू का राजेश, कैसन लोग है तुहार? तो शहर का क्या हाल था आप लोगों ने देखा है, स्टेशन किस तरह से हम लोगों ने बनाया, उद्घाटन लोकतंत्र में कोई भी करता है, उद्घाटन महत्व का नहीं है,
किसने नियोजन किया, किसने शुरुआत की और शहर के अंदर एक फैसिलिटी तैयार हुई। बोरीवली से विरार तक के 6 ट्रैक ट्रेन हमको लानी है, मुझको मीरा रोड से लोकल शुरू कराना है, ये सारे मुद्दे हम लोगों ने लिया है। गार्बेज का टैक्स प्रमोद सावंत ने बताया आपको, गार्बेज का जो डबल टैक्स आप पे लगा है उसको हटाना है। पानी शांतिनगर को MIDC का पानी आया करता था खाली 5 MLD तक। ये 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर के लोगों को पता है कि बाल्टी और डब्बे लेकर के बिल्डर के ऑफिस में जाके लाइन लगा करके पानी लेना पड़ता था। अब 5 रुपया उस जमाने में, जब पूरा मीरा भयंदर में 1.5 रुपया खाली 10,000 लीटर का था, तभी आप लोगों को 5 रुपया लगता था। तब जाके हमने सेक्टर नंबर 3 में 2 में 7 में सब जगह पानी की टाकियां बनाई और शांतिनगर को पानी मिलना शुरू हुआ। डबल टैक्स शांतिनगर के ऊपर था, एक बिल्डर टैक्स लिया करता था और एक नगर पालिका लिया करती थी। कितनों को मालूम है डबल टैक्स शांतिनगर में था? यह हम लोगों ने खत्म करवाया, हमने टैक्सेस खत्म करवाए। पिछले 5 साल में इस शहर में टैक्सेस डबल हुए। पानी का टैक्स डबल हुआ, पानी कम हो गया। कचरे का टैक्स डबल हुआ, कचरा उठना बंद हो गया। परिवहन सेवा हम लोगों ने चालू करवाई, आज सिर्फ 10-12 बसेस म्युनिसिपैलिटी की चलती है, उसके अलावा बसेस नजर नहीं आती है। शहर के अंदर चाहे मुद्दे उठा लो, आप कोई मुद्दे उठा लो, कोई मुद्दों के ऊपर समाधान आपको नजर नहीं आता है। हाँ, एक चीज पता लगती है शहर के अंदर कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमीन के पेपर को 7-12 बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 7-12। क्या बोलते हैं? 7-12। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमीन के कागज को क्या बोलते हैं? 7-12। क्या बोलते हैं? 7-12। मगर ये शहर में अभी सारी जमीनों पे कौन सा बोर्ड दिखता है? 7-11। और 7-11 किसका है मालूम है? नहीं मालूम, हाथ उठा के बताइए खाली, मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। अरे बाबू, रिक्शा चलाते हो, दिन भर पैसेंजरों को लेके जाते हो, लोगों को छोड़ते हो अपने जगहों पे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि कौन सा कहां क्या चल रहा है शहर में। अगर जनता इतनी अज्ञान रहेगी तो फिर ऐसे ही लोक प्रतिनिधि आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि शहर की हालत को सुधारना चाहिए, जो अधूरे पड़े हुए काम है उसे पूरा करना चाहिए, टोल टैक्स हटना चाहिए, गार्बेज टैक्स हटना चाहिए, पानी पूरा मिलना चाहिए, मीरा रोड लोकल शुरू होना चाहिए। कितने को लगता है मीरा रोड लोकल शुरू होना चाहिए? हाथ उठा के बताइए। देखो, सबको लगता है। तो आपके बीच में जब भाजपा का कैंडिडेट आएगा और दूसरी भी पार्टी के आएंगे तो उनको आप पूछिएगा कि केंद्र में सरकार आपकी थी, राज्य में सरकार आपकी थी, तो क्यों ट्रेन नहीं चालू हुई, क्यों टोल टैक्स नहीं हटा, क्यों पानी पूरा मिलना शुरू नहीं हुआ, क्यों कचरे का डबल टैक्स लगा दिया, क्यों कोर्ट का काम पूरा नहीं हुआ, क्यों शांतिनगर के अंदर के प्लेग्राउंड तोड़ दिए गए, ये सवाल आप लोगों को उनसे पूछना पड़ेगा। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? अरे कोई बोलता नहीं। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? आवाज ही नहीं आती क्या? नहीं पूछेंगे? ये जब तक के जनता जागेगी नहीं, आपको ऐसी ही प्रतिनिधि मिलेंगे जो 15 लाख से खुद का 5,000 करोड़ बना लेते हैं, जिनके ऊपर हजारों की संख्या में केसेस लगते हैं, क्रिमिनल केसेस लगते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो आपके शहर का लोक प्रतिनिधि क्या ऐसा होना चाहिए कि आपके रिश्तेदार जो मुंबई में रहते हैं या गांव में रहते हैं वो आपको ऐसा बोले, अरे आप मीरा भयंदर में रहते हो, वही मीरा भयंदर ना जहां के विधायक के ऊपर 25 क्रिमिनल केस है, कि आपको ये अच्छा लगेगा? आज यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? कि आपके शहर के लोक प्रतिनिधि जिसको आपने चुन के दिया है उसके बारे में रोज पेपर में, टीवी में यही न्यूज आती है कि इतना करोड़ों की संपत्ति है, इतना मैंग्रोव नष्ट कर दिया, इतना ये कायदे का उल्लंघन किया, इतने क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है, उसके ऊपर हाईकोर्ट के केसेस है, एंटी करप्शन के केसेस है, तो ये सुन के आपको अच्छा लगता है, फक्र होता है, गर्व होता है क्या? क्या आपको गर्व होता है क्या? तो होर्डिंग तो लगी है मुझे गर्व है और आप लोग बोलते मुझे गर्व नहीं है, तो आपको गर्व किस बात पर है? तो ये जो चुनाव है ये शहर का भविष्य निश्चित करेगा, आप लोगों का भविष्य निश्चित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी बातों पे विचार करके जो है हाथ के पंजे पे बटन दबा करके
मुझे बहुमतों से चुन करके भेजोगे। हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए मुझे कितने लोग वोट नहीं करेंगे। अभी कोई कोई लोग तो दो दो हाथ उठाए, मतलब दो वोट करेंगे। नहीं, ऐसा हस्बैंड आदमी बोल सकता, मैं और मेरी पत्नी दोनों का हाथ मैंने उठाया है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दफ्तर आज जनसंपर्क कार्यालय यहाँ शुरू हुआ है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। आपके वोटर स्लिप आईडी वगैरह को कोई प्रॉब्लम रहा तो यहाँ से आपको उसकी मदद मिलते रहेगी। आप तक के हमारे जाहिरनामा के माध्यम से सारी बातें आप तक के पहुंचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री यादव जी, कृष्णा यादव जी, प्लीज आइए।